हम अपने नेक्स्ट करंट जीके की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको पता है, ये हमारा फोर्थ मंथ है, यानी अप्रैल मंथ का इसमें जीके हम इंक्लूड करेंगे। अप्रैल मंथ को हमने अभी तक जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ के जीके को कवर अप किया है। उससे पहले हमने 2019 के जो अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ और दिसंबर मंथ को हमने कवर अप किया था, और आगे हम अब कर रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, ये भी हो गए हैं। और अब हम ये आज की वीडियो के अंदर आज हम अप्रैल मंथ को कवर अप करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो टीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर बहुत लाइट वेट में, आपका ज़्यादा नहीं टेंशन लेनी है आपने जीके के लिए। तो सिंपली आपने इसको रिवाइज़ करते रहना है, राइट। और क्योंकि आपको पता है, ज़्यादा पोर्शन जो है वो हमारा, जो हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट को आप फॉलो कर रहे हो, जिस भी स्ट्रीम्स हो, वो ज़्यादा कवर अप हो रहा है, क्योंकि 120 जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके मेन सब्जेक्ट पार्ट में से आ रहे हैं, राइट। तो 50 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इन बाकी जो चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वाली वीडियो। सबसे फर्स्ट, पर्सन इन द न्यूज़। तो अप्रैल मंथ के अंदर जो जो पर्सन न्यूज़ में रहे वो कौन कौन थे। रिसेंटली सीनियर लीडर ऑफ फॉर्मर MP DP त्रिपाठी पास्ट अवे इन दिल्ली आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस। वी ही बिलोंग टू विच पोलिटिकल पार्टी। NCP। हु हैज़ नेम्ड द यूनाइटेड नेशंस UN's मोस्ट फेमस टीनेजर इन द वर्ल्ड इन इट्स डिकेड इन रिव्यू रिपोर्ट। मलाला यूसुफाई। रिसेंटली हर्षवर्धन सिंगला हैज़ बीन अपॉइंटेड हैज़ द डैश फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया 33rd। 33। हु हैज़ बीन एमर्ज्ड हैज़ इंडियंस मोस्ट रिसर्च्ड बिजनेस टाइकून ऑन गूगल इन 2019। रतन टाटा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल डायमंड इन माई पाम दैट डिस्क्राइब अबाउट इन 12 डायमंड दैट वॉज लॉस्ट फ्रॉम इंडिया। संजय दावाड़कर। हु हैज वॉज री अपॉइंटेड हैज़ द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। विनोद कुमार यादव। हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक। सतीश कुमार गुप्ता। अच्छा क्वेश्चन है ये। रिसेंटली द यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैज़ लॉन्च अ बुक टाइटल इन पैक्स सिंह का इम्प्लीकेशन फॉर द इंडिया डॉन। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक। सिमर सारन। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड हैज़ द फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मिशेल पात्रा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष मिनिस्ट्री। श्रीपद येसो नाइक। नेक्स्ट, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। सुरेश सेठी। रिसेंटली द सुल्तान ऑफ विच कंट्री। क्यूबोज बिन सैयद अल सैद हैज़ डाइड। ओमान। नेक्स्ट, वेटरन पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट विकास सबनी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज रिलेटेड टू विच स्टेट। महाराष्ट्र। हु इज़ द CEO ऑफ बिलाई स्टील प्लांट। एम रावी। हु हैज़ बी नेम्ड हैज़ इंडिया फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। विपिन रावत। अच्छा क्वेश्चन है ये। हु वॉज स्वॉन इन द न्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। हेमंत सोरेन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हैज़ ए सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर इन द होम मिनिस्ट्री। के विजय कुमार। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब अवार्ड्स की बात कर लें। विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर इज सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस CK नायडू लाइफ टाइम अवार्ड गिवन बाय द BCCI। कृष श्रीकांत। वॉट इज़ द नेम ऑफ द अवार्ड गिवन टू द स्टेट फॉर गुड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय द प्राइम मिनिस्टर। कृषि करमान। कृषि कर्मा। हु इज़ ऑनर्ड विद लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। संजय गुप्ता। हु हैज़ बीन रिसेंटली चूजन फॉर मुप्पावरय वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस। डॉक्टर MS स्वामीनाथन। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच स्टेट हैज़ वॉन द स्वच्छ दर्पण अवार्ड फॉर अडॉप्टिंग इनोवेटिव मेथड इन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। उड़ीसा। हु हैज़ बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद 29th सरस्वती सम्मन। वसुदेव मोही। हु इज़ द डिसीज केरला कार्टूनिस्ट एंड सेक्रेटरी ऑफ केरला कार्टून अकेडमी। हु हैज़ वॉन द यूनाइटेड नेशनल पोलिटिकल कार्टून अवार्ड। थॉमस एंटोनी। विच इंडियन क्रिकेटर इज अवार्डेड हैज ए ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 16th एडिशन ऑफ ICC अवार्ड 2019। रोहित गुरुनाथ शर्मा। रोहित गुरुनाथ शर्मा।
Recently, which railway station has been confirmed with the Eat Right Station certification with the 5-star rating by Food Safety? Chhatrapati Shivaji Maharaja Terminus. Which author was recently conferred Akshadeep Samman 2019? Gyan Ranjan. Next, baat karte hain schemes and launches. Which state government has launched the Mahatma Jyotiraba Phule Farmer Loan Waiver Scheme and Subsidized Meal Scheme named Shib Bhojan Program for the Poor? Maharashtra. Which state has launched the Atal Kishan Mazdoor Canteen for the benefit of farmer and laborers? Haryana. Which integrated railway helpline into single number is made by the Indian Railway for the passenger for quick grievance redressal and inquiry during their journey? 139. When was the Aadhaar project launched by the Government of India? 28 January 2009. So, this is a good question that the Aadhaar project was launched on 28 January 2009. According to the Ministry of Rural Development, only 252 members of the Parliament have adopted Gram Panchayat under the Phase 4 of SAGY. What is the full form of SAGY? Sansad Adarsh Gram Yojana. What is the name of the campaign has been launched by the Minister of Petroleum and Natural Gas, Dharmendra Pradhan, to create awareness among the people in conversion of fuels? Saksham. Next, national and state. Which state government has announced to give an annual pension of rupees 6,000 per year to Muslim women who have been given triple talaq by their husbands? Uttar Pradesh government. This is a good question. A team of researcher from India and Dash. तो ये जो topics आपका include हो रहे हैं वो national और state की जो news है उसमें include हो रहे हैं. A team of research from India and Dash collaborate to create a new robot named Pip, which encourages children to wash their hands. United Kingdom. Recently, Uttar Pradesh state Road Transport Corporation has launched which helpline, which is a calling and a WhatsApp service for the safety of woman Damini. नोरेक नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? मेघालय. नोरेक नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? मेघालय. अच्छा क्वेश्चन है. विच स्टेट रेलवे स्टेशन हैज स्टॉप्ड द रेलवे क्लीननेस सर्वे 2019 रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे? राजस्थान. विच स्टेट इज गोइंग टू ऑब्जर्व 2020 हैज सुशासन संकल्प वर्ष? हरियाणा. Which state has emerged the most innovative state among the major states as per the Indian Innovative Index 3rd 2019 released by NITI Ayog? Karnataka. Recently, the Khadi and Village Industry Commission inaugurated the first Patola Sari production unit in which state? Gujarat. Recently, NITI Ayog has released the second edition of Sustainable Development Goal Index. Which state has top index? Kerala. Which state is going to observe No Vehicle Day on the first day of the every month of 2020? Rajasthan. According to the recent data from the Ministry of Forest and Environment and Climate Change, what is the total number of the tiger death occurred in the India during 2019-95? Which organization has released the second edition of Sustainable Development Goal India Index and Dashboard for the year 2019? NITI Ayog. Mundra Thermal Power Station located in which state? Gujarat. Bisalpur Dam is located in which state? Rajasthan. How much percent of the India's geographical area are covered with the forest as per 16th Indian State of Forest Report released by Shri Prakash Javedkar? 24.56%. Where is the foundation of, ye bhi kacha question hai, where is the foundation stone of headquarter of CRPF, Central Reserve Police Force, have been laid with a cost of rupees 280 crore? New Delhi. Gurumara National Park is situated in the which state? West Bengal. Where is the Tiroda Thermal Power Plant located? Maharashtra. Recently, which state? The Home Minister Amit Shah has launched the country's first cyber crime prevention unit called the Cyber Ashwast. Gujarat.
नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़, रिसेंटली द नारुहितो हैज़ बिकम द न्यू एम्पायर ऑफ विच कंट्री, जापान। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन द चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट, इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान। रिसेंटली द विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा हैज़ अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ ए गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज इन ऑर्डर टू हेल्प प्रमोट महात्मा गांधी आइडियल्स। पुर्तगाल। जुलोटी इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ विच कंट्री, पोलैंड। ये भी इम्पोर्टेंट है, जुलोटी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी इंटरनेशनल न्यूज़ है। स्टॉकहोम इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, स्वीडन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम की कैपिटल कौन क्या है, स्वीडन। विच इज़ द बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री एट प्रेजेंट, चाइना। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हाउ मेनी आइटम्स फ्रॉम चाइना विल गेट स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम मार्च 2020? 371 आइटम्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज़ डेजिग्नेटेड 2020 हैज़ विच ईयर, ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ। विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली अनाउंस टू ड्रॉप इट्स निक नेम हॉलैंड रिसेंटली, द नीदरलैंड्स। विच इज़ द नेम ऑफ द मेजर जनरल विच वॉज किल्ड इन एयर स्ट्राइक बाय द USA एट बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कासिम सुलेमानी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के टाइम। वेयर इज़ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO बेस्ड इन फ्रांस, पियोंगयांग। इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, नॉर्थ कोरिया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, नॉर्थ कोरिया की राजधानी कौन है, पोंगयांग। विच इज़ द करेंसी ऑफ फिलीपींस, पेसो। ये भी इंपॉर्टेंट है। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज जॉइंटली पब्लिश्ड बाय द कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। वट इज़ द रैंक ऑफ द इंडिया अमंग 117 कंट्रीज, 102, 102 है। वट वॉज द थीम ऑफ द 11th ब्रिक्स समिट, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। इन विच कंट्री द हेल्थ अथॉरिटीज हैज रिपोर्टेड that a new virus corona has been found that infect the respiratory tract, China. Which Indian monument has found place in the Shanghai Cooperation Organization 8th Wonders of SEO list, Statue of Unity. Which country has successfully launched its largest carrier rocket, Long March 5, China. Which country has recently announced the induction of averaged hypersonic missile into the army, Russia. White Island recently seen in the news, it is located in which country? White Island, New Zealand. Global Gender Gap Index released by World Economic Forum. To prevent the exploitation of the government in war and armed conflict, International Day is celebrated on 6th November. Next, final awareness. According to the report by the Center of the Economics and Business Research, CEBR, India will overtake Germany to become fourth largest economy in the world by the year of 2026. CEBR is based upon which country? United Kingdom. Recently, CB has signed a bilateral memorandum of understanding with Astana Financial Service Authority, AFSA, means Astana Financial Service Authority. It is based in which country? Kazakhstan. Recently, in which state Bharat Heavy Electronic Limited, BHEL, has commissioned the first lignite-based 5,000 megawatt thermal unit of 2x5,000 megawatt Nivali new thermal power project, Tamil Nadu. Recently, RBI has announced to purchase and sell government securities simultaneously under the OMO for 10,000 crore rupees each. What is the full form of OMO, open market operations? Which country was the largest source of foreign direct investment FDI in the India during the first half of the financial year 2019 to 2020? Singapore. Which e-commerce payment system has partnered with HDFC Life Insurance to purchase insurance product from HDFC Life? Paytm. Recently, Reserve Bank of India Governor Shaktikant Das has launched which mobile app to help visually impaired people to identify the denomination of currency notes? Money app. Which rate will be not be applicable on transaction payment done via RuPay and UPI platform from January 2020? Merchant discount rate. Which company's mutual fund has been renamed as Nippon Indian Mutual Fund, Reliance? Security and Exchange Board of India, SEB, has eased its norm and allow smart city raise funds through which bonds? Muni bonds. Name the
bank that has signed as a MOU with the Indian Army with the aim to provide new and better banking experience for the four serving and retired personnel of Indian Army, Bank of Baroda. Recently, Reserve Bank has increased the household income limit for borrowers of non-banking financial companies and microfinance institution from 1 lakh to 1.25 lakh rupees. Recently, what amount of the penalty has been imposed by the Reserve Bank on Tamil Nadu Mercantile Bank for violating norm of frauds classification and notification? 35 lakh. Next. Which bank has recently signed as a MOU with the South Central Railway Zone of the Indian Railway for doorstep collection of the earning from the railway station? State Bank of India. Upload that people consume more has the income decrease and consume less has the income increase, called given good. Which company has recently announced to invest $1 billion to digitize small and medium business in India? Amazon. When a bank return a check unpaid, it is called the dishonor of the check. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज. रिसेंटली विच नंबर ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैव बीन हेल्ड इन गुवाहाटी? फोर्थ. रिसेंटली कोइनुरू हम्पी हैज बिकम द 2019 वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चैंपियन. शी बिलोंग टू विच स्पोर्ट? चेस. वट विल बी द इंडिया GDP ग्रोथ रेट फॉर द FY20 हैज एस्टिमेट बाय द वर्ल्ड बैंक? 5.80%. Sunita Lakra, who announced his retirement recently, is famous Indian player of which sport? Hockey. Seema, who has been recently banned by National Anti-Doping Agency for 4 years for doping associated with which sport? Weightlifting. Recently, Manav Thakkar has become the world number one in latest international ranking. He is related to which sport? Table tennis. Who among the following has been named as International Tennis Federation ITF world champion? Rafael Nadal. Next, science and technology. Recently, SnowX was in news. It is a NASA program to map global snow water equivalent. Which country heaviest and most advanced communication satellite, Tianjin 20, was launched recently? China. What is the name of the woman astronaut who surpassed Peggy Whiston record and created a new record by becoming the single longest space mission held by a woman? Christina Hancock Koch. Recently, which tiger reserve has shown the carbon storage was highest in species-rich evergreen forest? Annamalai Tiger Reserve. What is the ek acha question? What is the first solar mission of India named by ISRO? Aditya L1. Which country recently launched its highest, heaviest, and most sophisticated communication satellites through the country's new and largest rocket, Long March 5? China. Next, miscellaneous. Next, Nathu Law was in new recently. It is located in which state? Sikkim. Puliket Lake is located in which of the following states? Andhra Pradesh. Belam Cave are located in the which state? Andhra Pradesh. Which Sikh Guru birth anniversary is celebrated as a Prakash Parv? Guru Gobind Singh. Lorenz curve is a graphical representation of distribution of income or wealth. Lorenz curve, right? Which is the maximum age limit of the chief of defense staff after the amending the army rules 1954, which was set as a 62 year earlier, 65 years. When overall prices increases, inflation due to increase the cost of wage and raw material, then it is called as a cost push inflation. Ye question bhi acha question hai, 65 years wala. Next, the World Braille Day is observed on which day? 4th January. World Hindi Day is celebrated on the January 10th every year, marking the anniversary of first World Hindi Conference. In which year the first World Hindi Conference was held? 1975. Next, recently the Union Home Minister Amit Shah recently released a book titled Karma Yodha Granth on the life of which Indian political leader?
नरेंद्र मोदी. द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम टू कैरी ऑन ए बिजनेस थ्रू इंटरनेट इज कवर्ड अंडर द विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 19. विच फाइटर एयरक्राफ्ट नोन फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन कारगिल वॉर हैज़ बीन रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स MiG-27. सप्तमृत्तिका ए ग्रुप ऑफ सेवन मदर गॉडेस रिसेंटली इन न्यूज इज प्राइमली रिलेटेड टू हिंदुज्म. नेक्स्ट बात करते हैं डेजिग्नेशन एंड हु इज हु. चेयरमैन राज्यसभा वेंकैया नायडू. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला. चेयरमैन ऑफ NITI नीति आयोग नरेंद्र दास मोदी. लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा गुलाम नबी आज़ाद. लीडर ऑफ हाउस इन लोकसभा नरेंद्र दास मोदी. लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा नन ऑफ दीज. चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा. इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा और सुशील चंद्र. ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट, उनको ध्यान से याद रखिएगा. नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ITBP SS देशवाल. चीफ विजिलेंस कमिश्नर शरद कुमार. फॉरेन सेक्रेटरी विजय केशव गोखले. कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया राजीव मिश्री. डायरेक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर S सोमनाथ. चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया RS शर्मा. SBI डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला. चेयरमैन नेशनल कमीशन ऑफ फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स नंद कुमार सहाई. चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ सैयद गयारुल हसन रजवी. चेयरमैन ऑफ UPSC अरविंद सक्सेना. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डायरेक्टर जनरल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी YC मोदी. नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्पेस कमीशन एंड इसरो KC1. चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड सेकंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी KN व्यास. चेयरमैन ऑफ SSC ब्रजराज शर्मा. चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जस्टिस HL दत्त. रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया विवेक जोशी. चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस प्रमोद चंद्र मोडी. चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र कुंतिया. चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अजय त्यागी. चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रजनीश कुमार. इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन UNO सैयद अकबरुद्दीन. होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला. चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन रेखा शर्मा. चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन NK सिंह. चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अशोक कुमार गुप्ता. चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन प्रसून जोशी. प्रेसिडेंट ऑफ SOCAM बालकृष्ण गोयंका. नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ NASSOCAM केशव मुरुगेश. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत. चीफ ऑफ एयर स्टाफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया. चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमवीर सिंह. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे. चीफ ऑफ रॉ सामंत गोयल. डायरेक्टर ऑफ बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर AK मोंटी. तो ये चीज़ें याद रखना. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एयर स्टाफ नेवल स्टाफ और आर्मी स्टाफ. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्रेसिडेंट ऑफ CII विक्रम S किशोलकर. प्रेसिडेंट ऑफ FICCI FCCI संदीप सोमने. चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन डॉक्टर जस्टिस BS चौहान. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल. चेयरपर्सन प्रसार भारती डॉक्टर A सूर्य प्रकाश. DJ ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विनीत जोशी. फाइनेंस सिक्योरिटी राजीव कुमार. चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन रजनीश कुमार. तो ये जो हमने अभी डेजिग्नेशन जो पढ़े हैं सारे के सारे, ये 24th February 2020 तक के लेटेस्ट अपडेट में है. राइट, थैंक यू सो मच. वीडियो को ज़्यादा शेयर करें. और ये GK बैंक्स का जो एग्ज़ाम जिसने फिल किया हुआ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो थैंक यू सो मच.